और हमारे इन दोनों छोटे भाइयों ने भरकस प्रयास किया होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है इनकी मेहनत, इनका तप निराधार नहीं होता है। बात यह है कि ये उम्र में छोटे हैं, लेकिन काम जो मैं कर रहा हूं मुझसे ज्यादा काम कर रहे हैं। बहुत बहादुर ये सिपाही हैं, आप लोगों के बीच में आए, इनका हर्ष के साथ, खुशहाली के साथ इनका प्रोत्साहन आप लोग करेंगे। मैं तो पास का ही हूँ, सभी लोग जानते हैं, रोज का आना जाना हम आप लोगों से मिलते हैं। बड़ी खुशी की बात यह है कि आप लोगों ने ऐसे वीरों को यहाँ बुला लिया, इन्हें नई ऊर्जा उत्पन्न हुई। मुझे अच्छा लगा, मैं व्यस्त रहा और आज भी गांव में कार्यक्रम है, रात को बारात में गया था, नीरज जी से बात हुई, मैंने कहा सो रहा आया हूँ। मैं एक गायकी के माध्यम से कुछ नहीं कहना चाहूंगा, 5 मिनट शब्द बोलूंगा। कितने दिन हो गए कार्यक्रम को? 5 तारीख से प्रारंभ हुआ होगा, 5 तारीख से आज तक आप लोगों को कितने माताओं बहनों को अच्छी कथा लगती है, ये हाथ उठा के बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्प नीरज जी को, धर्मेंद्र जी को, हमारे पिता और नौजवान भाइयों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? हाथ उठा के गवाही दे दें, बहुत अच्छा। मुझे लगता है नीरज जी और धर्मेंद्र जी की ये मेहनत कभी विफल नहीं होगी। अभी ये यंग है, इनकी और ऊर्जा की ताकत की जरूरत है, ऊर्जा की आवश्यकता आप लोगों से। अगर ये चाहते, दोनों शिक्षक और सुरक्षित है, अगर ये चाहते तो कोई सर्विस के लिए कहीं ना कहीं एक जॉब कर सकते थे, अपना भरण पोषण कोई भी कर लेता है। ये चाहते एक बार कहा भी धर्मेंद्र जी ने, गुरुजी किसी विधायक से कह के मेरी एक नौकरी की व्यवस्था करवा दो, हमने नौकर बन जाओगे। मैंने कहा नौकर बन जाओगे, अगर सेवा करने का तुम्हें अवसर मिले तो सेवा करोगे तो सेवादार बन जाओगे। बाबा साहब ने अगर यही सोचा होता, कोलंबिया विश्वविद्यालय में जो आज पूरी दुनिया का परचम लहराया जाता है, लोग बाबा साहब के नाम से नफरत से करने लगते हैं। बाबा साहब वो शक्ति हैं, रहेंगे और हैं। बाबा साहब के बारे में आज मेरा समाज सो रहा है, वही बाबा साहब ने जब ब्रिटिश की हुकूमत इस भारत में थी, देश गुलाम था, हमारे ही देश के लोग हमारे ही आदमियों को पानी पीने से मना करते थे, जिनके उनके पशु जाए स्नान करते थे, वह हमारे पूर्वजों को जल पीने की अनुमति नहीं थी। हमारे देश के जिन्हें महाराज बापू जी कहा गया, उन्होंने कहा नहीं, मेरा देश बड़े ऐशो आराम से जी रहा है। बाबा साहब जब गोल में सवा लंदन पहुंचे, उन्होंने कहा नहीं, आप अपनी सरकार से एक कमीशन मेरे देश के लिए भेजिए, कमीशन जांच करें और जैसा बर्ताव हो रहा है आम नागरिकों के लिए आप उसे अंकित किया जाए। कमीशन भेजा गया, उसका नाम था कमीशन अधिकारी का साइमन। साइमन कमीशन जब हिंदुस्तान आया, दिल्ली आया, तो बड़े दर्द की बात है, देश गुलाम था, हमारे देश के जो सबसे बड़े नेता माने जाते थे वो सबके यहाँ पर चौकीदार लगा था। उस समय BMW की गाड़ी उन लोगों के पास थी। साइमन कमीशन जब दिल्ली आया, जानते हो किसके दरवाजे पर पहले गया? बापू जी के। सिक्योरिटी ने मना कर दिया, इतने समय बापू जी से आप नहीं मिल सकते। नेहरू जी के पास दिल्ली जब कोठी पर गया, वह भी अनुमति नहीं मिली। याद आया कि अंबेडकर साहब इसी दिल्ली में रुकते हैं, वहां भी जाना चाहिए। रात्रि का 2 बज गया था, सभी के मरकरी लाइट थे, एसी कूलर की व्यवस्थाएं थी, देश गुलाम था, लेकिन बाबा साहब रात्रि के 2 बजे अर्ध नग्न वस्त्रों में
तौलिया लपेटे लिख रहे थे। साइमन ने आवाज दी, मे आई कम इन सर? बाबा साहब ने मुड़कर नहीं देखा और कह दिया कम इन। उसने अंग्रेजी लैंग्वेज में चर्चा की, अरे पूरे भारत के लोग जो भारत के सबसे बड़े आज के गुलामी शासन बात कहते हो वो तो आराम से सो रहे हो और आप अपनी रात को जाग रहे हो। बाबा साहब ने उसे भी अंग्रेजी में कहा, माउंटेन कैन फ्लाई, रिवर कैन ड्राई, यू कैन फॉरगेट मी बट आई कैन नॉट, दिस इज माय फैमिली इंडिया। इस देश का पहाड़ आकाश को चला जाए मुझे इसकी चिंता नहीं है, नदियां सूख जाए, सब लोग प्यासे मर जाएंगे, सब भूखे मर जाएंगे, तो मेरे परिवार के लोग भूख मर जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। और आप कह रहे हो इतने समय आप जाग रहे हो, सबके सब सो रहे हैं। बाबा साहब ने कहा उनका परिवार, उनकी कौमें जाग रही हैं और मेरी कौम, मेरी परिवार आज सो रहा है, इसलिए मुझे जागने की आवश्यकता है, इसलिए मेरे परिवार को अब जागने की आवश्यकता है। उस समय मेरा परिवार सो रहा था, तब अकेले बाबा साहब जाग रहे थे, उनका त्याग था। उन्होंने जब कहा मैं धर्म हिंदू धर्म में पैदा नहीं हुआ, मेरी मजबूरी थी, मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, दुनिया के इस्लाम के लोग भी आए, बाबा साहब से कहा तुम मेरे इस्लाम को कबूल कर लो और जितनी दौलत चाहिए, जौन सा पद चाहिए मैं आपको दे दूंगा। ईसाई धर्म से भी लोग आए, उन्होंने कहा आपको जो पद चाहिए वो पद दे दूंगा, बदले में आपको जितना धन चाहिए मैं आपको धन दे दूंगा। अपने अपने धर्म को स्थापित करने के लिए बाबा साहब को पकड़ना चाहा। बाबा साहब के पास बौद्ध धर्म का कोई भी व्यक्ति नहीं गया, सिर्फ बाबा साहब के पास में पत्र गया, बाबा साहब आप ही ऐसी शक्ति है, इस भारत में जागृति ला सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उस धर्म को आप स्वीकार कर लें। बाबा साहब ने इस धर्म को क्यों स्वीकार किया, आप सभी लोग देख रहे हो, जान भी रहे। आज छोटे भाई यहाँ बैठे हैं, मनुस्मृति में तो उल्लेख है सूत्र को किसी वेद का वर्णन करना चल नहीं चाहिए, अगर करता पाया जाए तो उसकी जिभ्या काट लेनी चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए, अगर सुनते हुए पकड़ लिया जाए तो उसके कानों में पिघलता हुआ शीशा डाल देना चाहिए। किसी देवाला में कोई सूत्र अगर पूजा करते हुए पकड़ लिया जाए उसके पैरों में कीले ठोक देनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे देश की जो संस्कृति लोग बताते हैं, मनुस्मृति में लिखा है, क्या हम लोग इस चीज को सहन करने के लिए तैयार हो गए? मजबूरी थी, देश गुलाम था, लेकिन आज जो हम मानसिक गुलाम हैं, उस मानसिक गुलामी को आप तोड़ दें। बाबा साहब ने कहा गुलाम को गुलामी का एहसास दिला दो, सिर्फ एहसास, वो गुलामी की जंजीर स्वयं तोड़ देगा। इसलिए ये हमारे छोटे छोटे भाई, आपके आचार्य जी जो आपको कह रहे हैं, कुछ कड़ुआ सा लगेगा क्योंकि माताओं को ज्यादा परेशानी होगी, कल शिवरात्रि आने वाले, बड़ी आपत्ति होगी कि बाबा साहब को तो मान लेंगे, बाबा साहब की मानने में दिक्कत आएगी। कोई बात नहीं, उस दिक्कत का भी सामना आपको करना है। अभी शास्त्री जी कह रहे थे प्रथम पाठशाला माँ होती है, ये सत्य है। आप 15 वर्ष से नहीं पूरे जीवन भर पूजा करो, लेकिन हम कह रहे हैं आप 15 वर्ष मात्र पूजा करिए, आप अपने पुत्रों पुत्री की, अपने पुत्र पुत्रियों की 15 वर्ष पूजा कीजिए, 15 वर्ष के बाद वो आपकी पूजा करने के योग्य हो जाएगा, कहीं आपको पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? ये धर्म ढोल गबार सूत्र पशु लारी शकल ताड़ना के अधिकारी, कहा गया है ढोल को जितना मेरा भाई, ढोल पर तेज हाथ मारता आवाज उतनी तेज निकलती है। गवार जो जानबूझकर गलतियां करता है, समाज की रीतियों को कुरीतियों में बदलता है, इसको चार डंडे मारो सही बात करने लगेगा। शूद्र, शूद्र कौन होता? शूद्र होता है जो शुद्धता का सही परिचय दे।
दरिद्रता जिसके पास ना हो, लेकिन वहां सूत्र से बताए सबसे नीच होता, नीच मनुष्य में कैसे पहचान की जाए नीच होता है, उसके कर्मों से।